लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फिलिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आखिर मैटर होता क्या है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट लेक्चर को विजिट नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं और फर्स्ट लेक्चर की लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर को विजिट करें। तो ये लेक्चर 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आखिर मैटर अपने स्टेट्स को कैसे चेंज करता है, इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और हम 3 फेनोमेना को भी पढ़ेंगे, दैट इज़ इवापोरेशन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब भी हम टेम्परेचर या प्रेशर को घटाते या बढ़ाते हैं तो उससे हमारे मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है। तो आखिर चलिए ये होता कैसे है वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ और अगर मेरे पास जो मैटर है वो सॉलिड है तो वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, ऑल राइट। सिमिलरली अगर लिक्विड स्टेट में कोई मेरा मैटर है और उसमें मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ तो वो अपनी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज करके गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो आखिर चलिए ये होता कैसे उसे अच्छे से स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब आपके पास है तो अगर आपने क्या किया, एक बर्तन लिया, मैं एक छोटा सा बर्तन बना रही हूँ, तो इस बर्तन में आपने एक आइस क्यूब ले लिया और फिर एक बर्नर लिया, या तो आप एक कैंडल भी ले सकते हैं। ये मेरा कैंडल है और ये है मेरा आइस क्यूब। तो जब आप इस कैंडल से इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि जब मैं हीट कर रही हूँ अपने इस आइस क्यूब को तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हमें क्या पता है कि क्या होगा, हमारा डेफिनेटली जो आइस क्यूब है जो कि सॉलिड है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। तो हमें मिल जाने वाला है अब वाटर, जिसे मैं H2O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और प्रोसीड किया, यानी कि अब मैंने क्या किया, ये जो वाटर मेरा फॉर्म हुआ था उसको थोड़ा और हीट किया। तो अब जब मैंने उसे थोड़ा और हीट किया तो मैंने ये पाया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो H2O था यानी कि जो वाटर था वो चेंज हो गया हमारे गैशियस स्टेट में, और गैशियस स्टेट में ये हो गया स्टीम। तो देखा कैसे सॉलिड जो कि मेरा आइस क्यूब था वो चेंज हो गया लिक्विड में, और वो चेंज हो गया किस तरीके से, गैशियस स्टेट में। तो ये जो फिनोमिना है ना सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन की एक सिंपल से डेफिनेशन है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इनके सिंपल टर्म से हम याद कर लेते हैं कि हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया तो ये जो प्रोसेस हुआ उसे हमने कह दिया फ्यूजन। सिमिलरली जो लिक्विड को हमने जब गैशियस स्टेट में चेंज किया, जो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और लिक्विड को गैशियस स्टेट में चेंज किया, तो हमारा वो जो प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे वेपराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैशियस स्टेट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। अच्छा, वेपराइजेशन क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा लिक्विड गैशियस स्टेट में चेंज होगा तो हमें वेपर्स मिलेंगे। किसके वेपर्स, वाटर के वेपर्स, जिसको हम कहते हैं स्टीम। आप ये बात जानते हैं, यस। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अगर हम क्या होगा कि अगर हम प्रेशर को
चेंज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, और लिक्विड में अगर हम प्रेशर को और इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाने वाली है। अब ये होती कैसे है ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी बनाई हुई है, ये देखिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक पिस्टन लिया है और मैंने एक सिलेंडर ले लिया है जिसमें मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रख दिए। तो जब मैंने इस पिस्टन से अपने प्रेशर को इंक्रीज किया, मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे करके उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हो गया तो वो क्या बन गया, वाटर। और फिर मैंने जब थोड़ा सा प्रेशर और इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो और रिड्यूस हो गया, और वो रिड्यूस हो करके चेंज हो गया हमारे सॉलिड स्टेट में। तो ये बहुत सिंपल सा फिनोमिना था, इसे मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देती हूँ। मैंने तो जब मैंने प्रेशर इनको इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज कर लिया, तो मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ, तो क्या हुआ, मेरे पास गैस था वो चेंज हो गया हमारे लिक्विड में। और फिर जब मैंने और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज किया तो वो जो लिक्विड था वो चेंज हो गया आपके सॉलिड स्टेट में। तो ये जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस प्रोसेस को जो हमारे गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। सिमिलरली जो लिक्विड से गैशियस सॉलिड स्टेट में, लिक्विड को गैश सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिडिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट करें, सिंपल राइट। तो यहाँ पर दो वर्ड और आते हैं, पहला वर्ड है डिपोजिशन और दूसरा वर्ड है सब्लिमेशन। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो ये से भी समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि अब तो हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड तक चेंज कर लिया, और लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड भी चेंज कर लिया, लेकिन क्या हम गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मैटर को, या फिर सॉलिड को डायरेक्ट गैशियस स्टेट में चेंज किया जा सकता है, कैसा पॉसिबल है, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो अगर आपने सोच लिया हो तो आइए स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ऐसा एक्चुअलिटी में होता है, यस दिस इज पॉसिबल। तो ये जो दो प्रोसेस होते हैं हम उसको कहते हैं डिपोजिशन और सब्लिमेशन। तो क्या होता है, अगर हमने सॉलिड लिया और उसे गैशियस स्टेट में डायरेक्ट चेंज करें बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल। आपके पास कैम्फर, ये तो सभी के घरों में मौजूद हो गई, आई नो सबके घर में होता है। अदरवाइज एक और एग्जाम्पल है एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसके लिए एक आपको बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है। तो कैम्फर और जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना वो डायरेक्टली डायरेक्टली चेंज हो जाता है अपने गैशियस स्टेट में। हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसे लिक्विड स्टेट में पहले चेंज करें, ये डायरेक्टली हो जाता है, प्रोसेस अपने गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये एक आपके लिए मैं टिप दे देती हूँ कि हर बार इन एवरी एग्जाम्स ये 2 मार्क्स का या तो फिर 1 मार्क्स का आपको पूछा ही जाएगा, गारंटी है इस बात की, पक्की वाली गारंटी, 100% वाली। तो अब जो दूसरा प्रोसेस है, यानी कि हमने सॉलिड से गैस तो कर लिया टीचर, देखिए गैस से सॉलिड कैसे करें, तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन वर्ड से समझते हैं, डिपोजिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिपोजिट करना, किसी चीज को जमा कर देना। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स है
उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ज़्यादा है, तो इनको जब हम डिपॉजिट करके एक साथ पास पास लेकर आ जाते हैं, इनके पार्टिकल्स को एक साथ डिपॉजिट कर लेते हैं बिल्कुल इस तरह, तो देखिए कितना ज़्यादा कम अब स्पेस हो गया है। तो अब हम इसको कहेंगे कि डिपॉजिट हो चुके हैं इस जगह पर। तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो यही प्रोसेस होता है जब हम गैस को सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे होते हैं। आपको समझ आ रहा है ना, डिपोजिशन गैस से सॉलिड और सब्लिमेशन सॉलिड से गैसियस स्टेट। तो ये जो दो प्रोसेस है ना, इन चारों प्रोसेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम एक पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर द काइनेटिक ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन ग्रेटर स्पीड। तो इसका मतलब क्या है, तो हम थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है उसको थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया कि सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है और लिक्विड से गैसियस स्टेट कैसे होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो आखिर जो हमने जो फिनोमिना पढ़े हैं लेक्चर वन में, उसके अकॉर्डिंग ये कैसे होता है। तो अब मैं बात करती हूँ साइंस की लैंग्वेज में। वैसे तो अभी मैं साइंस की लैंग्वेज में ही बोल रही थी, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एकदम पैक्ड होते हैं, एकदम थोड़ी सी भी जगह नहीं होती उनमें, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है। सिमिलरली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अब जब आपके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है और फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे कहेंगे कि हाँ ये हमारा सॉलिड है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वैसे तो ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ी वाली काइनेटिक इंटरमोलिकुलर फोर्स से एकदम जुड़े हुए हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इस फोर्स को तोड़ देते हैं, इस बॉन्डिंग को तोड़ कर इधर उधर भागते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। उनके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ तो देख रहे कितने ज़्यादा एकदम घिचपिच हो गया है, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है। तो अब फिर जब हमने और प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी और बढ़ी। तो भाई क्या हो गया, अब ये भी स्टडी कर लेते हैं। तो अब जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हमें कौन सा स्टेट मिला, गैसियस स्टेट मिला। ये था लिक्विड स्टेट। तो ये तो थी बात आपके टेम्परेचर की। अब यहाँ पर मैंने एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना था। मैंने आपको कहा था कि स्टडी करिए हम। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, द मिनिमम टेम्परेचर, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हमें पता है कि सॉलिड मेल्ट होते हैं, पता है आइस क्यूब वाटर में चेंज होता है यानी कि मेल्ट हो रहा है वो। तो जो सॉलिड है जब लिक्विड में मेल्ट होता है एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेयर के प्रेशर पे, हमने कोई प्रेशर अलग से लगाया नहीं उस पर, ना कि कोई टेम्परेचर को इंक्रीज किया, एटमॉस्फेयर की कंडीशन से जो मेल्ट हो रहा है सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और याद रहे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है। तो चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी हुई है बहुत शॉर्ट नोट में,
कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। अब आप कहेंगे ये केल्विन होता क्या है, तो ये मेजरिंग स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो इसके लिए बात भी कर लेते हैं हम। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। ओके, यानी कि ये जो केल्विन होता है ना वो थोड़ा बड़ा सा स्केल होता है एज कंपेयर टू सेल्सियस। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास 273.15 केल्विन है तो हम इसे शॉर्टली राउंड ऑफ करके हम सिर्फ 273 केल्विन ही यूज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। समझ आ रहा है? तो अब हम कहेंगे कि हमने तो सर हमने तो पढ़ा हुआ है सर मैम हमने तो पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मापते हैं, तो अब हम केल्विन में हम कैसे टेम्परेचर को मापें, कैसे नापें, कैसे मेजर करें? तो इसके लिए हमने क्या किया है कि केल्विन को हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, हमें कन्वर्टिंग स्केल तो आती है, और केल्विन को हम सेल्सियस में जब कर रहे हैं तो सेल्सियस को भी हम केल्विन में कर सकते हैं। तो जब हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे होते ना तो हम क्या करते कि 273 उस वैल्यू से माइनस कर देते, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो सेल्सियस में होता है। इसी तरीके से जब हमारे पास सेल्सियस में कोई चीज़ होती है और हमें केल्विन में चेंज करना होता है किसी टेम्परेचर को, तो हम उसमें सिंपल 273 प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, कन्वर्ट 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, यानी कि हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 273 हम माइनस कर देंगे। लीजिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था गिवन, 300 केल्विन, इसको हमें किसमें चेंज करना था, सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने क्या किया, इसमें से 273 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हम सिंपल करते हैं तो 10 से 3 का 7, 9 से 7 27 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया। तो ये सिंपल इसका आंसर था, इसे हम लिख लेते हैं कि आपका जो आंसर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम थोड़ा सा चेंज ऑफ प्रेशर को भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो क्या होता है जब हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को, तो जो भी गैस है वो लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिए, ये जो एक्टिविटी है वो आपके बुक में भी दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन है, व्हाई डू लिक्विड्स चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, तो अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। वैसे मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताने वाली हूँ, तो आप मेरी नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर विजिट करें। नाउ सबलिमेशन, सबलिमेशन की, तो सब्लिमेशन क्या होता है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको हम विदाउट लिख लेते हैं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो क्या है ये, हमने क्या किया, सॉलिड को गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सबलिमेशन। तो इसके जो एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, आपके एनसीईआरटी में, वो कुछ इस तरीके से है। आपने क्या किया, एक इन्वर्टेड फनल लिया और उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड रख ली।
और आपने बर्नर लिया उससे, और उससे आपने इसको हीट किया, तो हीट किया तो क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड, वो हीट हुआ तो उसके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और उनके बीच का स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, वो जो अमोनियम क्लोराइड था वो वेपर्स में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो वेपर्स में चेंज हो गया। और यहाँ पर हमने कॉटन प्लग रख दिया ताकि ये वेपर्स कहीं उड़ के कहीं चली ना जाए। तो थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे कि इस बर्नर को स्विच ऑफ कर देंगे, तो क्या देखेंगे आप, ऑब्जर्व करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे करके सॉलिडिफाइड हो रहा है और यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि अमोनियम क्लोराइड है वो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर आता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इवापोरेशन की। तो इवापोरेशन क्या है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। तो आप कहेंगे ये मैंने इसे बॉइलिंग पॉइंट को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया है, तो इसका भी एक रीज़न है। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करते हैं, इवापोरेशन को स्टडी करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, तो हम कहते हैं उसे बॉइलिंग पॉइंट। ये जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, वो अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने आसपास के लिक्विड पार्टिकल से एनर्जी गेन कर रहे हैं और वो वेपर के स्टेट में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन क्या होता है, वो भी एक फिनोमेना होता है लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने का, बट उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होगा वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, यानी कि वो आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ही इवापोरेट हो जाएगा। एक काम करिए, इसके लिए, इसको समझने के लिए आप क्या करिए, एक चाइना डिश लीजिए, उसमें आप थोड़े से वाटर रख दीजिए, थोड़ा सा वाटर, और आप उसको एक घंटे के लिए धूप में, सनशाइन में रख दीजिए। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि वो वाटर जो है वो वेपर बन चुका है, वो वाटर है ही नहीं वहाँ पर। और ये जो फिनोमेना यहाँ पर हुआ है ना, वो इवापोरेशन है, क्योंकि हमने उस वाटर को बॉयल नहीं किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल नहीं किया, बल्कि वो तो अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से ही इवापोरेट हो गया। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इवापोरेशन। और बॉइलिंग पॉइंट आपको मैंने बता दिया, जब हम लेते जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो अपने आसपास के पार्टिकल्स, अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है और फिर वेपर्स में चेंज कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर वो ले रहे हैं उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए आगे स्टडी करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो ये क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करें इवापोरेशन मेथड को, तो ये चार फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो क्या है ये, अच्छे से पढ़ते चलिए। तो मैंने क्या किया, आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, जब आपको आपकी मम्मी गरम गरम चाय देती है तो आप जब उसे पीते तो आप उसे पी नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप क्या करते हैं, एक सॉसर लेते हैं और उस पर वो चाय ढाल देते हैं, मतलब चाय को रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि कप के कंपेरिजन में वो जो चाय है वो सॉसर में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और आप उसे ईजिली पी पाते हैं। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, कैसे? तो ऐसा इसी वजह से हो रहा है, ऐसा ये एक फैक्टर है जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। तो जब हम चाय को, अगर हम बात करें चाय की, तो जब हम चाय को इस सॉसर में डालते हैं तो आप देखेंगे जो सरफेस एरिया है इस कप का वो बहुत कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस सॉसर पैन, तो अगर हम इस सॉसर का एरिया देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम सरफेस एरिया को यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इवापोरेशन जो है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो इवापोरेशन होगा वो भी इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से हमारी जो चाय है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाने वाली है। दूसरा है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
तो ये तो हमें पता ही है, जाहिर सी बात है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर था, जो आपका वाटर था वो जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो क्या होता है, इवापोरेशन में इंक्रीज होता है। अब तीसरा पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो आप पूछोगे व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो इसका सिंपल सा आंसर है आपके सराउंडिंग में जो भी मॉइस्ट एयर है, जो भी मॉइस्चर है कंटेंट है आपके एयर में, तो मॉइस्चर कंटेंट एंड इन दी सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो जो मॉइस्चर है आपके सराउंडिंग में उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो क्या होगा अगर आपका जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है, डेफिनेटली आपको चिपचिपाहट सा स्टिकी सा फील होने वाली है आपकी स्किन में। तो ये तो अलग बात है, आपके स्टिकनेस जो आपको फील होती है आपकी स्किन्स में वो अलग बात है, लेकिन अगर जब हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है हमारा हमारा जो इवापोरेशन का जो मेथड है, जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, तो सिंपल अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम इसे यहाँ इंक्रीज करते तो क्या होता, इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता, सिंपल। द फोर्थ इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो क्या होता है अगर आप हवा को ज़्यादा बहाते हैं, अगर हवा की स्पीड आप ज़्यादा तेज़ कर देते तो भी आपका जो इवापोरेशन है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, और अगर आप हवा अगर आप बहुत ज़्यादा हवा अपने बालों में लगाते हैं तो क्या होता है, आपके बाल जल्दी जल्दी सूखते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो इवापोरेशन है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, राइट। आपकी मम्मी से अगर आप पूछें तो आपकी मम्मी लोग क्या करती है, आपकी मम्मी कपड़े सुखाती है, जब आपकी मम्मी कपड़े सुखाती है, और अगर ऐसा डे है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उस दिन कपड़े जल्दी जल्दी सूखते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ इवापोरेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये तो था इवापोरेशन के बारे में, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इवापोरेशन को। अब हम बात करते हैं इवापोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट। ये ना थोड़ा सा बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको करना है, तो इसमें आपके एनसीईआरटी में भी दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट से है। सबसे पहला है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। आखिर हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं, नायलॉन की क्यों नहीं पहनते हैं, या फिर वुलन क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनते, कॉटन क्लॉथ्स पहनना क्यों पसंद है, तो जल्दी जल्दी आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो ये जो आपका जो आंसर होगा वो भी थोड़ा थोड़ा इवापोरेशन से रिलेटेड होगा, तो सोचिए फिर मुझे आंसर बताइए। तो अगर आपने अब सोच लिया हो तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। तो क्या होता है कि समर में आपके जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और समर में हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म होता है वो हमें कूल रखने में हेल्प करता है, वो हमें ठंडा रखता है। ऐसा नहीं है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा स्वेट ग्लैंड के बारे में, स्वेट ग्लैंड क्या कहती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो स्वेट भी जो स्वेट से जो हमें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है वो भी एक इवापोरेशन का मेथड है, इवापोरेशन का एक प्रोसेस है। तो क्या होता है कि गर्मियों में वी नो डैट ड्यूरिंग इवापोरेशन जो पार्टिकल्स होते हैं दैट सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द सरफेस, ये हमें बात पता है। तो क्या होता है जो हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी देन इट विल कूल्स द बॉडी। तो आपने कहा होगा कि मैम आपने एक वर्ड कहा लेटेंट हीट, तो आखिर ये लेटेंट हीट होता क्या, आपने ये नोट्स में तो मेंशन नहीं किया। तो ये लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है हिडन हीट। तो जो हिडन हीट होती है जो कि पार्टिकल्स में होती है
उसकी वजह से इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो हैपेंड होता है उस हीट के बराबर, जब आपका आपके आसपास की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो इक्वल हो जाती है, यानी कि लेटेंट हीट जो है वो इक्वल हो जाता है हीट एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग सराउंडिंग, तो क्या होता है आपका जो वेपराइजेशन होता है इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, और इसकी वजह से क्या होता है आपको बॉडी कूल रहता है। कॉटन भी बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, जिसकी वजह से जो स्वेट है, जो स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेट प्रोड्यूस कर रही है वो जो एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ठंडकपन महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, समझ में आ रहा है। इसी वजह से हम कॉटन क्लॉथ ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी तो नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, वाई शुड वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स, आपने बॉटल देखा होगा कुछ इस तरीके का, जो प्रेजेंट है आपके आउटर सरफेस ऑफ वाटर बॉटल, वो क्या करती है अपने सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करती है, हीट एनर्जी को गेन करती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है अपना चेंज कर लेती है स्टेट चेंज करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर इवापोरेशन भी हैपेंड हो रहा होता है। तो इसका जो पूरा आंसर है ना वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, ये था वो आपके लिए हिंट था कि ये भी गेन कर लेते हैं, इसके जो पार्टिकल्स है वो सराउंडिंग मीडियम से गेन कर लेते हैं एनर्जी को, हीट एनर्जी को। तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर, जो कि मैंने आपको 2 लेक्चर में कंप्लीट तरीके से बता दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको नोट्स भी दिए, बहुत इफेक्टिव नोट्स हैं ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स है, अगर आप इसे एग्जाम्स में स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से मदद मिले, अगर आपको भी मदद मिली हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।